अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो है CSE स्कॉलरशिप्स। दोस्तों, हॉचुंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के CSE स्कॉलरशिप्स अनाउंस हो चुके हैं, जिसकी लास्ट डेट है 31 मार्च। तो आज आपको इस वीडियो में मैं हॉचुंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में CSE स्कॉलरशिप आपने कैसे अप्लाई करना है, एप्लीकेशन का जो तरीका है वो बहुत ही आसान है, ऑनलाइन अप्लाई करना है, लेकिन इसमें जो कुछ टेक्निकल बातें हैं वो इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद मुइन और मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ CSE स्कॉलरशिप गाइड के हवाले से, जो कि इंटरनेशनल स्कॉलरशिप अपडेट्स के बारे में 2021 की जो स्कॉलरशिप्स हैं उसका ये दूसरा एपिसोड है, दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, यानी इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स के लिए जो ओवरऑल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं उसके बारे में मैंने आपको गाइड किया था। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको CSE स्कॉलरशिप पे आपने ख्वाचों एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कैसे करना है उसकी मुकम्मल डिटेल, मुकम्मल तरीका आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत ही जल्द मैं कुछ और भी इस तरह के जो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स हैं वो अपडेट करने वाला हूँ इस चैनल पे। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो सारी इन्फॉर्मेशन है, जो सारी अपडेट्स हैं वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहेंगी। तो टाइम ज़ाय किए बगैर हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आपको बताते हैं कि आपने कैसे ख्वाचों एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना है। तो चलते हैं हम अपने गूगल क्रोम पर। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक बात जो है आपको वाजे करता चलूँ कि आपने ख्वाचों एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उसको आपने गूगल क्रोम में ओपन करना है। गूगल क्रोम में ओपन क्यों करना है मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि आपने क्यों ओपन करना है, इसकी क्या वजह है। तो हम ओपन कर लेते हैं ख्वाचों एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एब्रीवेशन जो है यूनिवर्सिटी का, वो है HZAU, ख्वाचों एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। हम इसकी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ख्वाचों एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होम पे, जिससे इसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जी तो दोस्तों, ये हमारे पास है ख्वाचों एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, जहाँ से हमने अपना एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू करना है। ये इंग्लिश वर्जन वेबसाइट है। अब इंग्लिश वर्जन वेबसाइट में कुछ यूनिवर्सिटीज़ की जो हैं, सारी यूनिवर्सिटीज़ तो नहीं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ की जो इंग्लिश वर्जन वेबसाइट्स हैं उसमें एक प्रॉब्लम आता है, जहाँ से बहुत सारे लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। दोस्तों, क्योंकि PhD और मास्टर स्कॉलरशिप्स में जब आपने अप्लाई करना होता है तो आमतौर पर आपको प्रोस्पेक्टिव सुपरवाइजर से कांटेक्ट करना होता है, और कांटेक्ट करके आपने उनसे एक्सेप्टेंस लेनी होती है। तो आपको एक्सेप्टेंस के लिए प्रोफेसर की जो कांटेक्ट डिटेल चाहिए वो है प्रोफेसर की ईमेल आईडी। तो यहाँ से आपने ईमेल आईडी प्रोफेसर की कैसे निकालनी है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये जो हमारे सामने वेबसाइट मौजूद है यहाँ से प्रोफेसर की कांटेक्ट डिटेल यानी कि ईमेल आईडी हमें नहीं मिलेगी। ख्वाचों एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से आपने ईमेल आईडी कैसे निकालनी है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो अगर हम इस वेबसाइट पेज को चेक करें तो इस वेबसाइट पेज पे यहाँ पे नीचे लिखा है सुपरवाइजर इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो जो इस यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी स्कूल और कॉलेजेस हैं उनकी फैकल्टी की जो लिस्ट है वो हमारे सामने ओपन हो जाती है। लेकिन लिस्ट ओपन होने का मकसद ये नहीं है कि आपने फैकल्टी फाइंड कर ली और उनकी कांटेक्ट डिटेल फाइंड कर ली, क्योंकि आपको ईमेल करने के लिए किसी भी प्रोफेसर को ईमेल के लिए आपको ईमेल आईडी चाहिए होती है। अगर हम यहाँ पे डिटेल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें प्रोफेसर की ईमेल आईडी, उनकी कांटेक्ट डिटेल नहीं मिलती। तो ये मसला हमारे सामने आता है, बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि उनको प्रोफेसर की, फैकल्टी की ईमेल आईडीज, उनकी कांटेक्ट डिटेल नहीं मिलती। तो इस मसले को हमने कैसे सॉल्व करना है तो ये अभी मैं आपको बताता हूँ। तो अब हम वापस आ गए अपने मेन पेज पर। अब हमने करना क्या है इस इशू को हल करने के लिए, हमने सबसे पहले ये करना है कि यहाँ पे लिखा है ओल्ड वर्जन और ये चाइनीज लैंग्वेज। हमने इस वेबसाइट को, इस वेब पेज को हमने चाइनीज में ओपन करना है। यहाँ पे हम चाइनीज पे क्लिक करेंगे तो ये चाइनीज में ओपन हो जाएगी।
तो अब यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि गूगल क्रोम में मैंने आपको इसलिए कहा कि इसको ओपन करना है क्योंकि गूगल क्रोम वेब पेज को ट्रांसलेट कर लेता है इंग्लिश में। हमने चाइनीज वर्जन इंग्लिश ट्रांसलेटेड वेबसाइट अब हमने ओपन कर ली है। अब ये हमारे पास जो वेब पेज है ये चाइनीज वेब पेज इंग्लिश ट्रांसलेटेड है, ये हमने ओपन कर लेना है। अब सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आपने अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज, अपने रिस्पेक्टिव प्रोफेसर और उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल कैसे फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे कॉलेजेस में, इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ख्वाचंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जितने भी कॉलेज हैं, स्कूल हैं, वो ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ से हम इसको दोबारा ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो जी हमारा पेज ट्रांसलेट हो चुका है। तो ख्वाचंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जितने भी स्कूल और कॉलेजेस हैं वो सारे हमारे पास सामने ओपन हो चुके हैं। ये सारे स्कूल और कॉलेजेस हैं, फिशरीज, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंसेस, ग्रामर, फॉरेन लैंग्वेज, स्पोर्ट्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंफॉर्मेशन, स्कूल ऑफ बायोमेडिसिन एंड हेल्थ और लाइफ साइंसेस, कॉलेज ऑफ रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट। अब हमने क्या करना है, हमने जिस कॉलेज में जिस डिग्री के रेलेवेंट हमने अप्लाई करना है, जिस मेजर में अप्लाई करना है, तो हमने उस मेजर के स्कूल में हमने अपने प्रोफेसर फाइंड करने हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर एक बता देता हूँ। यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ कॉलेज ऑफ रिसोर्स एंड एनवायरनमेंट, इसको मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। अब कॉलेज ऑफ रिसोर्स एंड एनवायरनमेंट के हमने फैकल्टी लिस्ट हमने कैसे निकालनी है और प्रोफेसर्स की डिटेल हमने कैसे निकालनी है ताकि हम प्रोफेसर्स को ईमेल करके उनसे हम एक्सेप्टेंस ले सकें। तो हमने इस पेज को ट्रांसलेट कर लिया है इंग्लिश में। तो ये हमारे पास कॉलेज ऑफ रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट ऑफ हुआचोंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। उनकी ये फैकल्टी की लिस्ट हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। फैकल्टी पे क्लिक करते हैं तो न्यू पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे हम इसको भी इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो ये इंग्लिश में ट्रांसलेट हो चुका है। अब ये हमारे पास जो फैकल्टी की लिस्ट सामने हमारे मौजूद है, ये ख्वाचंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट के जो प्रोफेसर्स हैं, यहाँ पे लिखा है प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और लेक्चरर। तो यहाँ पे हम जब क्लिक करते हैं, फॉर एग्जाम्पल साय पेंग यहाँ पे मौजूद है, साय पेंग यहाँ पे मौजूद है। हम इसकी जो है कॉन्टेक्ट डिटेल यहाँ से निकाल लेंगे। अब ये हमारे सामने जो है साय पेंग प्रोफेसर, इसकी कॉन्टेक्ट डिटेल हमारे सामने मौजूद है। अब हमने यहाँ से इस प्रोफेसर की ईमेल आईडी लेनी है जिसको हमने ईमेल करनी है। लेकिन आपने सबसे पहले क्या करना है, किसी भी प्रोफेसर को ईमेल करने से पहले इस प्रोफेसर का जो रिसर्च बैकग्राउंड है उसको अच्छी तरह से देख लेना है ताकि आप अपने रेलेवेंट बैकग्राउंड के प्रोफेसर को ईमेल करें। बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि जब वो किसी प्रोफेसर को ईमेल करते हैं तो प्रोफेसर उनको यूजुअली रिप्लाई नहीं करते। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आप लोग करते हैं ईमेल करने के लिए, ईमेल करने के हवाले से, जिसकी वजह से प्रोफेसर आपको रिप्लाई नहीं करते। तो वो जो मिस्टेक्स हैं उनसे आपने अवॉइड करना है। तो इस तरह हम जो है अपनी फैकल्टी की जो लिस्ट है वो फाइंड कर सकते हैं और रिस्पेक्टिव प्रोफेसर को हम ईमेल करके कांटेक्ट कर सकते हैं जिनसे हमने एक्सेप्टेंस लेनी है। एक बार फिर आपको कह देता हूँ कि कुछ स्पेसिफिक मिस्टेक्स जैसे कि ग्रामर मिस्टेक्स हैं या इनफॉर्मल वे ऑफ कुछ मिस्टेक्स यानी कि कुछ फॉर्मल मिस्टेक्स या कुछ इनफॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन या कुछ ऐसी ग्रामर मिस्टेक्स या इंग्लिश लैंग्वेज की जो मिस्टेक्स हैं वो हमने नहीं करनी जिससे यूजुअली प्रोफेसर रिप्लाई नहीं करते। तो वेरी सोन मैं वो वीडियो अपलोड करने वाला हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन सी 7 स्पेसिफिक मिस्टेक्स हैं जो आपने नहीं करनी ईमेल करने के दौरान। तो अब हम चलते हैं वापस और आपको बताता हूँ कि आपने कैसे अप्लाई करना है। अब हम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के मेन पेज पर आ चुके हैं।
यहाँ से हमने अप्लाई करना है। तो हम इसको दोबारा इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। अच्छा, जब हमने होचोंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, तो इसकी अप्लाई करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि आपने फैकल्टी की लिस्ट कैसे निकालनी है, अपने रिस्पेक्टिव स्कूल की, और प्रोफेसर को कांटेक्ट करना है। प्रोफेसर को कांटेक्ट करके आपने उनसे एक्सेप्टेंस लेटर भी लेना होता है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने उस फैकल्टी में, जब आपने प्रोफेसर फाइंड कर लेना है, एक्सेप्टेंस लेटर ले लिया आपने, तो आपने अप्लाई कैसे करना है इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के लिए। तो यहाँ पे इनरोलमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट में हम आते हैं। यहाँ पे लिखा है इंटरनेशनल स्टूडेंट इनरोलमेंट, इस पर क्लिक करते हैं। तो अब जो हमारे पास पेज ओपन होता है, ये है ग्रेजुएट स्कूल ऑफ हुआचोंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इनका वेब पेज हमारे पास ओपन हो जाता है। तो यहाँ से अब हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि हमने कैसे अप्लाई करना है यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन पोर्टल पे, और कैसे हमने सीएससी स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे लिखा है अप्लाई नाउ, तो हम जब इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास इंटरनेशनल स्टूडेंट सर्विस सिस्टम ओपन हो जाता है, जहाँ पर हमने ऑनलाइन अप्लाई करना है। अब ये ओपन हो जाता है। तो जी, ये इंटरनेशनल स्टूडेंट सर्विस सिस्टम हमारे सामने ओपन हो चुका है। यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद हमने यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करना है, और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स यहीं पे ऑनलाइन हमने अपलोड करने हैं। लेकिन ये यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन सिस्टम है, सीएससी स्कॉलरशिप पे आपने यहाँ पे ख्वाचों एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कैसे अप्लाई करना है, वो अभी चल के मैं आपको आगे बताता हूँ कि आपने यहाँ पे कैसे सीएससी पे अप्लाई करना है। क्योंकि हमारा मेन मकसद क्या है, हमने सीएससी स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना है। तो अभी मैं आपको चल के बताता हूँ कि आपने कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमारे सामने लिखा है एडमिशंस, जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने ये जो वेब पेज ओपन होता है, ये है हुआचोंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का इंटरनेशनल एडमिशन पेज। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ख्वाचोंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कौन कौन से स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है। ये तीन किस्म के स्कॉलरशिप ऑफर करती है, ये बायलैटरल प्रोग्राम है, चाइनीज गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी प्रोग्राम, और ख्वाचोंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी प्रोग्राम। ये यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप है, ये सीएससी है, और ये बायलैटरल प्रोग्राम है। तो हमें क्योंकि सीएससी स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना है, तो हम यहाँ पे सीएससी पे क्लिक करेंगे। बेसिकली यहाँ पे भी लिखा है कि ये जो चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है, ये बेसिकली सेम एज सीएससी, और इसी को ही सीएससी स्कॉलरशिप कहते हैं, या इसको सीजीएस भी कहते हैं। तो इसमें आपने परेशान नहीं होना कि सीएससी है या ये चाइनीज गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी प्रोग्राम है, ये बेसिकली सीएससी ही है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो ये यूनिवर्सिटी है, ये चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ऑफर करती है। अब हमने यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, तो नीचे यहाँ पे ये बटन मौजूद है एप्लीकेशन को, हम इस पे क्लिक करते हैं हाउ टू अप्लाई। जब इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने सारी डिटेल, सारी इंफॉर्मेशन सामने आ जाएगी कि हमने कैसे और कहाँ अप्लाई करना है। यहाँ पे दो एप्लीकेशन सिस्टम मौजूद है, एक है ख्वाचोंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम, और एक है सीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम। यहाँ पे स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको सीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम पे अपनी एप्लीकेशन फिल करनी है। उसके बाद आपको अपनी एप्लीकेशन फिल करने के बाद जब आप सबमिट कर लेंगे, तो फॉर्म को आपने डाउनलोड कर लेना है। याद रहे कि यहाँ पर भी सीएससी एप्लीकेशन पोर्टल पर भी आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद होने चाहिए। सीएससी पे आप एप्लीकेशन आपने कैसे ऑनलाइन फिल करनी है, इसके लिए मैं एक सेपरेट से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अगर इसी वीडियो में मैं बता दूं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप लोगों को इस वीडियो में नहीं बता रहा, नेक्स्ट वीडियो में इसको वेरी सून मैं आपको गाइड करूंगा, बता दूंगा। और ख्वाचोंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है, इस पे आपने
अप्लाई करना है। सबसे पहले आप अकाउंट क्रिएट करेंगे और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इसको इस पे अप्लाई करेंगे, अपलोड करेंगे। एप्लीकेशन का जो तरीका है वो बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। लेकिन इस पे भी मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ कि आपने इस पे कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे जब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे लिखा है चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, जिसकी जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च है। आप चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे यानी CSE पे या आप हॉचोंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पर भी अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन का तरीका बहुत ही आसान है, लेकिन अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आप वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियोस इनके ऊपर बनाने वाला हूँ, वेरी सून मैं इनको अपलोड कर दूंगा इसी चैनल पे। आपने इसी चैनल के साथ जुड़े रहना है और सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो इसके लिए हमें डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए? डॉक्यूमेंट में हमें सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म है वो CSE का एप्लीकेशन फॉर्म होगा और हॉचोंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म होगा। हाईएस्ट डिप्लोमा अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास बैचलर की डिग्री और सर्टिफिकेट होने चाहिए। अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास मास्टर के डिग्री और सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट होने चाहिए आपके पास। रिकमेंडेशन लेटर्स प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर से आपने अपने कोरिलेटेड डिसिप्लिन से लेने हैं। स्टडी प्लान आपके पास होना चाहिए। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए वैलिड, फिजिकल एग्जामिनेशन, हेल्थ रिकॉर्ड होना चाहिए और कुछ सपोर्टिंग मटेरियल, एक्सिलरी डॉक्यूमेंट्स जिनको हम कहते हैं, कुछ आपके पास आपके को पब्लिश्ड पेपर्स हैं, आपके को खास अवार्ड सर्टिफिकेट्स हैं, वो आपके पास होने लाजमी हैं। उसके बाद आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर होना भी लाजमी है। एक्सेप्टेंस लेटर, फिजिकल एग्जामिनेशन रिकॉर्ड और आपके पास जो रिकमेंडेशन लेटर्स हैं ये होना लाजमी है। इनके बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको फैकल्टी ओपन करके दिखाई है कि आपने हॉचोंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की फैकल्टी कैसे ओपन करनी है और प्रोफेसर को कैसे कांटेक्ट करना है आपने एक्सेप्टेंस लेटर लेने के लिए। तो हॉचोंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो एक्सेप्टेंस लेटर का जो फॉर्मेट है वो स्पेसिफिक है। यहाँ से मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ कि इसका एक्सेप्टेंस लेटर का फॉर्मेट कैसे है। आपने ये वाला फॉर्मेट अपने प्रोफेसर को कहना है जिसको आप कांटेक्ट करेंगे। अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है आपको तो आप उसको बोलेंगे कि ईमेल से आप उसको लिखेंगे कि आपको ये वाला जो एक्सेप्टेंस लेटर का फॉर्मेट है ये फिल करके दे दे, क्योंकि आपने अपनी एप्लीकेशन के साथ ये वाला फॉर्मेट ही अटैच करना है। एक्सेप्टेंस लेटर फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बाई हॉचोंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एकेडेमिक सुपरवाइजर। इसमें वो आपकी जो फुल नेम है, आपका पासपोर्ट नंबर, नेशनैलिटी, ईमेल आईडी, जेंडर, ये सारी चीज़ें लिखेगा। उसके बाद वो आपको मास्टर में या PhD में जिसके लिए एक्सेप्टेंस लेटर दे रहा है वो इस पर मेंशन करेगा। आपका लैंग्वेज यानी कि आपकी स्टडी लैंग्वेज कौन सी होगी ये मेंशन की जाएगी यहाँ पे, और वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखने के बाद अपनी अपना सिग्नेचर और उसकी जो सील होगी यानी स्टैंप होगी और डेट मेंशन करने के बाद आपको ये एक्सेप्टेंस लेटर आपको सेंड कर देगा। जी आपने अपनी एप्लीकेशन के साथ एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन भी आपने ये एप्लीकेशन सिस्टम पे अपलोड करना है। उसके बाद आ जाता है ये रिकमेंडेशन लेटर। अभी रिकमेंडेशन लेटर भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से कि कैसे है ये। समटाइम्स रिकमेंडेशन लेटर्स जो है वो जस्ट प्लेन टेक्स्ट होता है। किसी भी आपने प्रोफेसर से लेना है तो उसकी जो इंस्टीट्यूशनल हेड लेटर होगा, लेटर पैड होगा, वो उस पर वो आपको बना के देता है विद इन 2 to 3 पैराग्राफ्स। लेकिन हॉचोंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो फॉर्मेट है रिकमेंडेशन लेटर का, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। आपने जिस बंदे से लेना है, प्रोफेसर से या एसोसिएट प्रोफेसर से जिससे लेना है एक्सेप्ट रिकमेंडेशन लेटर, वो आपको यहाँ पे एप्लीकेंट नेम, नेशनैलिटी, जेंडर और डेट यहाँ पे मेंशन करेगा। उसके बाद नीचे वो रिकमेंडर जो होगा यानी कि प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर, वो अपना फुल नेम और अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम मेंशन करेगा। यहाँ पे वो बताएगा कि वो आपको किस रेफरेंस से जानता है, वो आपका टीचर था, वो आपका फार्मर सुपरवाइजर है या कोई और है। यहाँ पे मेंशन करने के बाद वो आपके जो क्वालिटीज़ होंगी, वो आपकी जो कैपेबिलिटीज़ होंगी, जो सारी स्किल्स होंगी, उनको वो यहाँ पे क्या करेगा, उनकी मार्किंग करेगा, इनको इनके पॉइंट होंगे यहाँ पे। वो आपकी कुछ स्किल्स जो हैं, जो आपकी क्वालिटीज़ हैं, वो उनसे आउटस्टैंडिंग उनको जस्टिफाई करता है, सेटिस्फैक्ट्री करता है, नीड इम्प्रूवमेंट या अनसेटिस्फैक्ट्री
उनको मार्क करता है। वो यहाँ पे अपनी सजेशंस, अपने अपने पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन करने के बाद नीचे अपना नाम, अपनी आईडी, अपनी पोजीशन और सारी कांटेक्ट डिटेल मेंशन करने के बाद यहाँ पे अपनी सिग्नेचर और स्टैंप लगाने के बाद आपको दे देगा। ये स्पेसिफिक फॉर्मेट जो है ये आपने ख्वाचंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए अपनी एप्लीकेशन के साथ लगाना है, ये दो चाहिए आपको। फिजिकल एग्जामिनेशन रिकॉर्ड यानी कि फिजिकल हेल्थ रिकॉर्ड जो है, जब भी आपने सीएससी स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना है तो ये एप्लीकेशन का एक लाजमी हिस्सा होता है, ये भी आपने साथ में अटैच करना है। ये मैं अभी आपको दिखा देता हूँ इसमें कि ये किस तरह होना चाहिए। तो जो फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म है, यहाँ पे आपका नेम, आपका आपका सेक्स, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके आपका ब्लड ग्रुप, आपकी पिक्चर, ये सारी चीज़ें मेंशन होने के बाद यहाँ पे सिंपल जिस भी फिजिशियन से, डॉक्टर से आपने ये बनवाना है, सिंपल यहाँ पे टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ पे सिंपल इसको, अगर आपको कोई डिजीज़ है तो यस करें, अगर आपको कोई डिजीज़ नहीं है तो आपने इन स्पेसिफिक डिजीज़ के अगेंस्ट आपने नो क्लिक करना है। यहाँ पे आपने अपनी हाइट, अपना वेट, अपना ब्लड ग्रुप, अपने डेवलपमेंट के जो पैरामीटर्स हैं, ये सारी चीज़ें आपने मेंशन करने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, उस फिजिशियन से, उस डॉक्टर से आपने सिग्नेचर करवा लेने हैं, डेट, उसकी सजेशंस और उसकी स्टैंप लगवा लेनी है। और याद रहे ये ऑफिशियल स्टैंप है, आपके आपके फोटोग्राफ पे भी होनी चाहिए। ये करने के बाद आपने इसको भी अपने साथ रख लेना है, ये भी आपने ऑनलाइन अपलोड करना है। ये सारी चीज़ें जब आप अपलोड कर लेते हैं अपने सिस्टम पे, यानी कि ख्वाचंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम है और सीएससी का जो सिस्टम है, सबसे पहले आपने सीएससी पे अप्लाई करने के बाद अपना फॉर्म डाउनलोड कर लेना है वहां से। यही सारे डॉक्यूमेंट्स आपने सीएससी पोर्टल पे भी अपलोड करने हैं। अपलोड करने के बाद आप सबमिट करेंगे और सबमिट करके आप वहां से अपना फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे। सीएससी पे अप्लाई करने के बाद जो कि आपको सीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम, यहां से इसका लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आपने अप्लाई करना है। और मैं ये आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। जब आपने सीएससी पे अप्लाई कर लेना है, सीएससी पे अप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना अकाउंट रजिस्टर्ड करना है। सबसे पहले आप यहाँ पे अपना अकाउंट, यूजर नेम और आईडी क्रिएट करेंगे, रजिस्टर्ड करेंगे। रजिस्टर्ड करने के बाद आप अपने अकाउंट को एक्टिवेट करेंगे। समटाइम्स एक्टिवेशन की जो ईमेल है वो 24 आवर्स में आती है, यानी कि थोड़ी सी लेट आती है, आपने परेशान नहीं होना, ये आपको आ जाएगी। जब आपको ईमेल आ जाएगी, आपने अपना अकाउंट वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद आपने यहाँ से इसको लॉगिन करके आपने अप्लाई कर देना है। अच्छा, जब आपने यहाँ पे अप्लाई कर लेना है, अपना फॉर्म आप डाउनलोड कर लेंगे, फॉर्म डाउनलोड करके आपने उसे अपने पास रख लेना है। फिर उसके बाद आप आ जाएंगे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख के यहाँ पे ख्वाचंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन पोर्टल पे। अब आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। ये सीएससी और ख्वाचंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन पोर्टल पे आपने कैसे अप्लाई करना है, ये स्पेसिफिक जो वीडियोस होंगे ये मैं वेरी सून इनको अपलोड कर दूंगा अभी, क्योंकि अगर मैं इनको सेपरेट से फिल इनके करने बैठूँ तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इनके लिए मैं सेपरेट से वीडियो बना दूंगा, आपको डिटेल के साथ समझा दूंगा कि आपने कौन सी चीज़ कैसे लिखनी है। तो ख्वाचंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो ऑनलाइन पोर्टल है, इस पे भी आपने सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने उसको लॉगिन करके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, अपने सारे क्रेडेंशियल्स यहाँ पे फिल करने हैं। फिल करने के बाद आपने इसको भी सबमिट कर देना है। इसकी एप्लीकेशन फीस नहीं है, लेकिन याद रहे कि आपने 31 मार्च से पहले पहले अपने प्रोफेसर से, ख्वाचंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो रिस्पेक्टिव आपको प्रस्पेक्टिव प्रोफेसर होगा रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स में, आपने उनसे एक्सेप्टेंस लेटर ले लेनी है। और फॉर टाइम बीइंग आप अभी अपने फार्मर सुपरवाइजर से, यानी कि प्रीवियस आपके अगर किसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं तो वहां से प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर से आप रिकमेंडेशन लेटर्स भी ले लें। और अपना स्टडी प्लान, अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर पीएचडी के लिए अप्लाई करना है, तो आपने अपना जो रिसर्च प्रपोजल है वो भी रेडी कर लेना है। ये सारी चीज़ें रेडी करने के बाद आपने यहाँ पे अप्लाई कर देना है। ख्वाचंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है, ये बेसिकली सीएससी बेस्ड स्कॉलरशिप देती है, आराम से
स्कॉलरशिप हो जाते हैं और इसकी रैंकिंग भी बहुत अच्छी है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ये शिकायत करते हैं कि वो जब वो किसी भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन करते हैं तो वहाँ से उनको फैकल्टी नहीं मिलती। अगर फैकल्टी मिल जाती है तो वहाँ पे उनको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के ईमेल आईडी किसी भी प्रोफेसर की या उनकी जो प्रोफाइल है वो नहीं मिलती। तो यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, अगर आपको और कहीं भी ना मिले तो यहाँ से आप प्रोग्राम्स और सुपरवाइजर आपको यहाँ पर भी मिल सकते हैं। यहाँ से ख्वाचंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कितने प्रोग्राम्स हैं, कितने डिपार्टमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से भी मिल सकती हैं। फॉर पीएचडी डिग्री मेजर्स चाइनीज टाट और अदर और टाट इन बोथ में भी चाइनीज और इंग्लिश, ये दोनों में आपको यहाँ से पीएचडी के लिए आप इन डिपार्टमेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं और आप मास्टर और बैचलर के लिए यहाँ पे इन डिपार्टमेंट्स में आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि चाइनीज में हो सकते हैं या इंग्लिश में भी हो सकते हैं। इसी तरह ये भी चाइनीज में भी हो सकते हैं और इंग्लिश में भी ये हो सकते हैं, जिनमें कॉलेज ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस है, इन्फॉर्मेटिक्स है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट है, फिशरीज है, हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री है, लाइफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, कॉलेज ऑफ रिसोर्सेज एंड एनवायरमेंट एंड वेटनरी साइंसेज या एनिमल साइंसेज, इनमें आप पीएचडी में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आपको अपने रिस्पेक्टिव स्कूल्स और कॉलेजेस के जो प्रोफेसर्स हैं वो यहाँ से भी आपको आराम से मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ से निकालना चाहें तो यहाँ से भी मिल जाएंगे, अगर आप जिस तरह मैंने आपको पहले वीडियो के शुरू में बताया कि आप उस तरह निकालना चाहें तो वो भी आपको वहाँ से मिल जाएंगे। तो डाउनलोड्स में अभी हम आते हैं कि डाउनलोड्स में आपको रिकमेंडेशन लेटर का जो टेम्पलेट है, एक्सेप्टेंस लेटर का जो टेम्पलेट है, फिजिकल एग्जामिनेशन का जो टेम्पलेट है और सुपरवाइजर्स के सीवी टेम्पलेट्स, यहाँ से ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि सुपरवाइजर्स के सीवी टेम्पलेट्स कैसे हैं। इसको मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ एक दफा। ये प्रोफेसर्स के सीवी टेम्पलेट्स है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी अगर आपको चाहिए तो। अदरवाइज आपको सिर्फ ये चीज़ें चाहिए यहाँ से, रिकमेंडेशन लेटर, एक्सेप्टेंस लेटर, फिजिकल एग्जामिनेशन लेटर, ये जो टेम्पलेट है ये आपको आपको नहीं चाहिए। अब ये न यहाँ पर मैं इसीलिए ये आपको बता रहा हूँ कि कुछ लोग ये क्या करते हैं कि ये वाला सीवी टेम्पलेट डाउनलोड करके अपनी सीवी इसी में बनाते हैं। तो आपने अपनी सीवी इसमें नहीं बनानी, ये प्रोफेसर्स की सीवी का टेम्पलेट है, आपको इसमें अपनी सीवी बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपने अपना सीवी टेम्पलेट अपना बनाना है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत सारे लोग जो मिस्टेक करते हैं वो सीवी में भी करते हैं, एकेडेमिक सीवी और प्रोफेशनल सीवी ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। आपने जब प्रोफेसर को एक्सेप्टेंस के लिए अप्लाई करना है तो आपने अपनी एकेडेमिक सीवी बनानी है और वो एकेडेमिक सीवी ही साथ में आपने अपने ईमेल में अटैचमेंट में डालनी है। याद रहे, एक दफा फिर मैं आपको कह देता हूँ कि जब भी आपने किसी प्रोफेसर को एक्सेप्टेंस लेटर के लिए ईमेल करनी है तो उसमें कुछ स्पेसिफिक मिस्टेक्स हैं, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज, ग्रामर, रेपिटेशन, एक ही टाइम में बहुत सारे लोगों को ईमेल करना और उसमें कुछ जो है कुछ क्वेश्चन आस्क करना प्रोफेसर से, ये सारी चीज़ें आपने उसमें शामिल नहीं करनी। यानी कि आपने ईमेल का जो फॉर्मेट है उसको बड़ा ही प्रिसाइज और बड़ा स्पेसिफिक लिखना है। यानी कि आपने एक प्रोफेसर के लिए ईमेल का जो फॉर्मेट बनाया वो आपने दूसरे प्रोफेसर को नहीं सेंड करना, या आपने कोई जनरल फॉर्मेट ईमेल का नहीं बनाना। आपने जब भी किसी प्रोफेसर को ईमेल करनी है तो उसको बहुत ही प्रिसाइज तरीके से बनाएं, अच्छी तरह से उसको पढ़ लें ताकि उसे उसमें किसी भी तरह के मिस्टेक ना हो, ताकि प्रोफेसर आपको आपकी ईमेल आईडी पढ़ के अपनी आपकी ईमेल पढ़ के आपको अच्छी तरीके से वो रिप्लाई भी दे। अगर आप जैसे ऐसे रेंडमली किसी प्रोफेसर को ईमेल कर देंगे तो प्रोफेसर ये समझेगा कि इसने किसी और को ईमेल करनी थी, इसने मुझे कर दी, इसलिए वो रिप्लाई नहीं करते। अगर आप जनरली इंग्लिश मिस्टेक्स या ग्रामर मिस्टेक्स करेंगे या रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स करेंगे अपनी ईमेल में तो प्रोफेसर को इससे आपका जो है ना वो नॉन सीरियसनेस जो है वो शो होती है, जिससे वो ये समझते हैं कि रिप्लाई
वो जिस वजह से आपको नहीं करते। आमतौर पर ये जो प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे लोग ये रेज करते हैं कि उन्होंने 100 बंदे को, 100 प्रोफेसर्स को, 200 प्रोफेसर्स को ईमेल की, लेकिन कोई किसी ने उसको रिप्लाई नहीं किया। तो रिप्लाई ना करने की जो मेजर रीज़न है वो हमारा ईमेल करने का जो तरीका है वो गलत होता है। तो वो 7 मिस्टेक्स कौन सी हैं जो आपने ईमेल करते हुए नहीं करनी, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आपने उस वीडियो को लाजमी देखना है कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स जो आमतौर पर लोग करते हैं आपने वो नहीं करनी, अगर आप ये चाहते हैं कि कोई भी प्रोफेसर आपको रिप्लाई करे और आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो और भी अच्छी वीडियोस के लिए और इन्फॉर्मेटिव चीज़ों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।